दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम उस जगह पे जहां पे लॉन्चिंग मशीन का काम चालू है। आप देख सकते हैं ये सुंदर नजारा दोस्तों। अभी मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पे जहां पे पाइलिंग का काम चालू है। आप पीछे देख सकते हैं वहां पे अंबिका रिवर है, उसके ऊपर पाइलिंग का काम चल रहा है, बुलेट ट्रेन का जो ब्रिज बनेगा यहाँ से। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हम लोग अपडेट दिखाते दिखाते इतनी दूर आ गए हैं, यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, देख सकते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका फिर से एक और न्यू वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त कपिल, स्वागत करता हूं आपका कपिल नायक ब्लॉग में। दोस्तों अभी मैं फिलहाल आ चुका हूं नवसारी से करीब 10 किलोमीटर दूर, आपको बुलेट ट्रेन का अपडेट दिखाते हुए। दोस्तों फिलहाल मैं जिस एरिया में हूं, यहां पे देख सकते हैं आप, सब पिलर वगैरह कम्प्लीट हो गए हैं बन के, लॉन्चिंग का काम आगे चालू है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, और जो रिवर के ऊपर कैसे ब्रिज बन रहा है वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है वीडियो, बिना स्किप करे पूरी आप वीडियो देखते रहो। आगे चलते हैं गाइस और देखते हैं आगे क्या अपडेट है। दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सामने रिवर है, वहां पे भी पूरा बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, यहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है। दोस्तों आगे जाने के लिए कोई रोड नहीं है, जाने के लिए रोड नहीं है ना, आगे रोड है। तो दोस्तों हम लोग अभी चलेंगे उस रोड से, अभी यहाँ पे जो काम चल रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं पहुंच चुका हूँ उस जगह पे जहाँ पे पाइलिंग का काम चालू है। आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पे अंबिका रिवर है, उसके ऊपर पाइलिंग का काम चल रहा है, बुलेट ट्रेन का जो ब्रिज बनेगा यहाँ से। अभी मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ और कैसा क्या काम चल रहा है उस रिवर में, आपको वीडियो को देखते रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रिवर में पाइलिंग का काम चल रहा है, यानी कि बांध का काम चल रहा है। यहाँ पे मिट्टी वगैरह से सब अभी पानी रोक दिया गया है, इसके अंदर पिलर वगैरह सब बनाए जाएंगे, इसके लिए यहाँ पे सब रोक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे पिलर टेस्टिंग का काम हुआ था पहले, और जिस पिलर में भी सबसे अच्छा मटेरियल रहता है उसको टेस्ट करते हैं, वही मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया जाता है इस लोकेशन के हिसाब से। और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर है, और रिवर का भी आपको हम पूरा व्यू दिखाएंगे, और कैसे काम चल रहा है इस रिवर के अंदर वो भी हम आपको दिखाएंगे। बुलेट ट्रेन का दोस्तों बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, और आप सामने देख सकते हैं इतनी सारी मशीनें यहाँ पे देखिए काम कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा विशाल रूप से यहाँ पे काम हो रहा है। और हम लोग आगे चलते हैं और आगे की तरफ आपको दिखाते हैं और क्या अपडेट है बुलेट ट्रेन की। आप व्लॉग को कंटिन्यू देखते रहो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये व्लॉग। दोस्तों यहाँ पे जाने के लिए कोई रोड नहीं है, हमें वापस यहीं से जाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ तक आए हैं, यहाँ तक आपको दिखाएंगे कि क्या काम चल रहा है यहाँ पे, और रिवर के अंदर क्या, कितना खूबसूरत रिवर लग रही है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा विशाल रूप से यहाँ पे काम हो रहा है, और यहाँ पे जो ज़मीन के अंदर जो डिगिंग वगैरह का काम है वो भी यहाँ पे। भाई जी कब से काम शुरू हुआ था यहाँ पे? काम तो हो गया 4 महीना। कौन सी रिवर बोलते हैं इसको? अंबिका रिवर है। हाँ अंबिका रिवर, अंबिका रिवर है। मतलब यहाँ पे क्या ब्रिज का काम चल रहा है क्या यहाँ पे? 4-5 पिलर है नदी के अंदर, 4-5 पिलर नदी के अंदर बनेंगे। तो ये सब अभी पानी को रोक दिया गया है? थोड़ा बहुत चालू है उधर से। अच्छा, नाम क्या है भाई जी? मेरा नाम भरत सिंह है। भरत सिंह, आपका क्या काम है यहाँ पे? मैं अक्सर तो दोस्तों अभी हमें यहाँ पे लेबर वगैरह मिले हैं, यहाँ पे जो कावेरी रिवर के ऊपर जो काम चल रहा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जो मिट्टी से पूरा ये रोका हुआ है ताकि ये, मतलब जो पिलर वगैरह का काम है अंदर वो चल सके।
और दोस्तों बुलेट ट्रेन का जो काम है उसको सक्सेसफुल बनाने में इनका ही हाथ है पूरा। ये दिन रात मेहनत करते हैं, सबका हाथ है, एक एक आदमी जरूरी है उसमें। और ये राजस्थान से आए हुए हैं ये भाई जी, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं कावेरी रिवर के ऊपर। हाँ, ये आप देख सकते हैं, ये गाड़ी भी देखो राजस्थान की है। ये अब ये ड्राइवर हो देखिए, गाड़ी भी राजस्थान। दोस्तों जैसे कि आपने देखा, हम लोग अपडेट दिखाते दिखाते इतनी दूर आ गए हैं। यहाँ से जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, देख सकते हैं यहाँ से क्या है। पूरा रिवर यहाँ तक का बांध काम था, यहाँ पे रोका जा रहा था, लेकिन यहाँ से रिवर अभी चालू है, पानी का बहना चालू है। देख सकते हैं आप कितना अच्छा व्यू आ रहा है, और सूरज की किरणें आ रही हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी धूप है लेकिन फिर भी कितना अच्छा लग रहा है, मौसम बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी जाके मैं डुबकी लगा लूँ, क्योंकि अभी तक पानी नहीं पिया है। दोस्तों हमने कम से कम 15-20 किलोमीटर हम लोग चल के आ गए हैं, लेकिन अभी हम लोग कहीं पे पानी नहीं मिला है, कोई दुकान ही नहीं मिली, क्योंकि ये जंगल एरिया है एकदम, जहाँ पे हम लोग अभी आपको ब्लॉग शूट करके दिखा रहे हैं। गला सूख रहा है, लेकिन आपके लिए हम लोग वीडियो बनाने इतनी दूर आए हैं, आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो दोस्तों अभी मालूम पड़ा है कि यहाँ से माणकपुर एक गाँव है, वहाँ जाके अभी रास्ता है, वहाँ पर मिलेगा। आगे चल के आपको दिखाएंगे वहाँ का अपडेट भी, आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। आगे हम आपको बुलेट ट्रेन का अपडेट दिखाने जा रहे थे, बीच में देखो ये एक रिवर है जो मैंने आपको आगे भी दिखाई थी, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखो यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, 2-4 फोटो खींचे हैं, और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे की तरफ, और आगे दिखाएंगे आपको बुलेट ट्रेन की क्या अपडेट्स है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे आके। आपको कैसा लग रहा है रिंकू भाई यहाँ पे? यार कैसे मशहूर हो गए, हमारे आने की मेहनत मशहूर हो गई। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे थोड़ा क्या हमें इतना सुकून मिला, और यहाँ पे क्या एक व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर फोटो वगैरह भी खिंचाए तो अच्छा लगता है। बाकी है वो उसी दिखाने के लिए, उसी वीडियो का अपडेट आपको जा रहा है जो कि बुलेट ट्रेन का, वहाँ पे बहुत ही जोर पर लॉन्चिंग का काम चल रहा है उसका जा रहा है। तो दोस्तों फटाफट से चलते हैं हम उस तरफ। आपको दिखाया था नदी के उस पार जो काम चल रहा है, वहाँ पे बीच में रास्ता नहीं था जाने के लिए, हम लोग अभी उस तरफ से आए हुए हैं गांव में घूमते घूमते, बहुत ही ज़्यादा मुसीबत से आए हैं, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं था कि किधर से रोड है। एलएनटी वालों ने खुद का एक रोड बनाया हुआ है, उसको ढूंढते ढूंढते उस रोड पर चलते चलते हम लोग अभी यहाँ पर आ चुके हैं, और देख सकते हैं आप यहाँ पर किस प्रकार काम चल रहा है। यहाँ पर भी पिलर वगैरह बना के तैयार किया है, और ये सामने आप देखिए यहाँ पर भी सब फिलिंग वगैरह चालू है सीमेंट से, इसको भी पिलर बना के रेडी करेंगे। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये काम करीब 4 महीनों से इस रिवर पे चल रहा है, मुझे बताया था भाई। तो दोस्तों आपको अभी मैं दिखाऊंगा लॉन्चिंग का काम जो पीछे चल रहा है, वहाँ पर जाके हम लोग वीडियो को एंड कर देंगे, आप वीडियो को देखते रहो। अभी मैं लॉन्चिंग का काम दिखाने वाला हूँ आपको। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम उस जगह पे जहां पे लॉन्चिंग मशीन का काम चालू है। आप देख सकते हैं ये सुंदर नज़ारा। दोस्तों ये जो लॉन्चर मशीन है ये छोटी है, क्योंकि पिलरों की हाइट बहुत ही कम है, इसलिए छोटी लॉन्चिंग मशीन नीचे रखी गई है, और जब पिलर बड़े होते हैं तो उसके ऊपर लॉन्चिंग मशीन रखी जाती है बड़ी वाली, उससे काम होता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की तरफ और दिखाते हैं और आगे क्या काम चल रहा है। ये लॉन्चर मशीन का काम तो यहाँ पर चल रहा है, और पीछे आप जो देख रहे हैं ये पावर हाउस है, जिससे पावर मिलता है बुलेट ट्रेन के लिए, जो काम वगैरह हो रहा है सब उसके लिए पावर जो मिलता है। और भी हम आगे चलते हैं और देखते हैं और आगे क्या। ये जो पार्ट है वो किसमें यूज होता है?
लॉन्चर मशीन है ना, जो ऊपर के जो साइड के जो काम रहता है उसमें इनको पार्क किया जाता है। तो दोस्तों आप जो सामने देख रहे हैं ये बुलेट ट्रेन का मेंटेनेंस डिपो है और अंदर ही पावर सप्लाई है जिसको यहाँ पर जितना भी काम चल रहा है उसके लिए बिजली प्राप्त की जाती है। और गाइज मैं आपको आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में जितना भी काम के लिए जो इतनी भी सारी चीज़ें हैं सब अंदर रखी जाती हैं। और दोस्तों आगे की तरफ भी कुछ काम चल रहा है, हम लोग वहाँ पर भी आपको दिखाते हैं जाके क्या काम चल रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया 10 से 15 किलोमीटर का जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, अंबिका रिवर से होके जो ये बुलेट ट्रेन आ रही है वहाँ तक का मैंने पूरा काम दिखाया आपको। बहुत ही ज़्यादा मुसीबत से हम लोग वहाँ तक पहुँचे थे, उसके दूसरे एंड तक रिवर के वहाँ पर चल के भी मैंने आपको दिखाया कि कितना काम वहाँ पर हो चुका है कम्प्लीट। तो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो ये इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आने वाली वीडियो में मैं बहुत कुछ बुलेट ट्रेन का अपडेट दिखाने वाला हूं, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी फैमिली का भी ध्यान रखें। जय हिंद।